आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मुलायम सिंह की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद रघुराज सिंह शाक्य अपने प्रस्तावकों के साथ मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर नामांकन दाखिल किया। रघुराज सिंह शाक्य के प्रस्तावकों में राम नरेश अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, बलवीर धनगर और ममता राजपूत हैं। और नामांकन के बाद रघुराज सिंह शाक्य ने दावा किया कि जीत उनकी ही होगी। रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चार प्रस्तावक उनके नामांकन में शामिल हुए, राम नरेश अग्निहोत्री, प्रदीप सिंह चौहान, बलवीर धनगर और ममता राजपूत उनके प्रस्तावक हैं। और नामांकन करने के बाद आज वो बाहर आए, अपनी जीत का दावा किया। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रघुराज सिंह शाक्य। इससे पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं इटावा से, और अब मैनपुरी से उपचुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। प्रसपा में भी रहे वो और मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। नामांकन से पहले उनके समाधि स्थल पर भी गए, उसके बाद आप देखिए कौन से लोग उनके लिए वहां पर वोट मांगते नजर आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, इनको तो आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। सामने कोई कड़ा चुनौती नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, हमेशा चुनाव लड़ने का काम करते हैं और वो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। आधा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ चुके, हर बूथ पे जाने का काम कर रहे, जहां माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हो, उनकी नीतियां जनता के बीच में हो, उन्होंने कार्यक्रम हैं, एक छोटे से व्यक्ति से लेके कोई हो, कोई धर्म की बात नहीं, कोई उसकी नहीं, सबको लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं चल रही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई सबको लाभ मिल रहा है, उसी हित में तो अभी जो जितने परिणाम आ रहे हैं जनता जान रही किससे हमारा हित है। इस बार जब मैंने कहा 8 तारीख को आजमगढ़ से जीत रही, रामपुर से जीत रही, नहीं कि जीती बताइए, गोला से जीतने का काम कर रही, अभी चुनाव तो आने, चुनाव आ गया। एक बड़ी अपडेट के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। रेप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। पीड़िता का बयान सजा दिलाने का पर्याप्त आधार, ये बात कही हाईकोर्ट ने। रेप केस में पीड़िता का बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अभियुक्त की ज्यादा उम्र माफी का आधार नहीं हो सकती। रेप के 43 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है और जो साथ में कहा है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण। पीड़िता का बयान बहुत मायने रखता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।